हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो आपका स्वागत है खुशी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं इडली और सांभर की रेसिपी, जो कि सभी को बहुत पसंद होती है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज हम बाजार वाला इडली और सांभर बनाएंगे और इसे बनाने में ज़्यादा हमको समय भी नहीं लगेगा। एकदम आसान रेसिपी है, आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो मैंने यहाँ पर इडली का बैटर रात को बना के रख दिया था। ये बैटर सुबह एकदम अच्छे से फूल चुका है, तो इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 5 मिनट तक अच्छे से इसी तरह से मिक्स करना है, तो हमारी इडली बहुत सॉफ्ट बनेगी। अगर आपको इडली का बैटर बनाने नहीं आता हो तो मेरे चैनल में मैंने इडली और चटनी की रेसिपी डाली है, उसमें मैंने बैटर की प्रोसेस भी बताई है, तो आप जाके देख सकते हो। इडली का बैटर मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे इडली का स्टैंड ले लिया है, उसमें हम तेल लगा लेंगे ताकि हमारी इडली आसानी से निकल जाए। तो हम सभी मोल्ड में तेल लगा लेंगे। उसके बाद हम इडली का स्टैंड ले लेंगे, हम नीचे पानी रख देंगे और मैंने छोटा सा नींबू का टुकड़ा रखा है ताकि हमारा बर्तन नीचे से काला नहीं पड़े। उसके ऊपर हम इडली का स्टैंड रख देंगे और इडली के स्टैंड के मोल्ड में हम इसका बैटर डाल देंगे। इसी तरह हम सभी मोल्ड में बैटर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी मोल्ड में बैटर डाल दिया है। अब इसे ढक के हम 15 से 20 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे हमारी इडली एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बन के रेडी हो चुकी है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाएगा फिर ये हमारा इडली बहुत अच्छे से निकल जाएगा और टूटेगा भी नहीं। तो ठंडा हो चुका है, उसके बाद मैंने इडली को निकाल दिया है और आप देख सकते हो इडली कितनी अच्छी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। उसके बाद हम सांभर बना लेंगे। तो सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू, प्याज, परवल और लौकी ली है। इसे हम काट लेंगे और अच्छे से धुल लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप तुअर की दाल ली है, इसे भी हम धुल लेंगे। फिर हम कुकर ले लेंगे, कुकर में हम तेल डाल देंगे। तेल गरम हो जाए उसके बाद हमने जो सब्जी काट के धो के रखी थी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने जो तुअर दाल को धो के लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हम डाल देंगे मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और सांभर मसाला। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। सांभर पतला ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी डाला है। इसे हम बंद करके 20 मिनट तक पकने देंगे। स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है इसे। 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा सांभर बन चुका है। इसे हम मैशर से मैश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे मैशर से एकदम मैश कर लिया है। अब हम एक तपेली ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे तेल। तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें राई डाल देंगे। राई चटक जाए उसके बाद हम इसमें सांभर मसाला डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। फिर हम इसमें सांभर जो हमने बनाया था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है। तो मैं तड़के में कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता को अलग पकाया है। उसके बाद मैंने इसमें सांभर मसाला डाल दिया है, इसे भी पकाया है। उसके बाद मैंने सांभर में इसे डाल दिया है। आप चाहो तो राई डालो तभी कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से पका लो, मैं डालना भूल गई थी तो मैंने अभी डाला है। तो यहाँ पे हमारा सांभर बन के रेडी हो चुका है। सांभर बनाना कितना आसान है आपने देखा ना, आप कभी भी बना सकते हो इडली और सांभर। तो
यहाँ पे मैंने इडली रख लिया है प्लेट में, ऊपर से हम सांभर डाल देंगे। इस तरीके से आप खाओगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब सुबह के नाश्ते में बना सकते हो ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिए, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेसिपी कौन सी बनाऊँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आपने देखा ना हमारी इडली कितनी अच्छी सॉफ्ट बनी है और सांभर भी बहुत टेस्टी बना है। मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।